नमस्ते दोस्तों, आप सभी का सूप डिलाइट्स के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ भैरव शक्ति। और आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल नो कुक, मतलब जिसमें बिल्कुल भी कुकिंग करने की जरूरत नहीं पड़े, रॉ हाई प्राणा हाई एनर्जी ब्रेकफास्ट। और ये है लेटस बोर्ड्स। ये बनाने में बहुत ही आसान है, शायद 10 मिनट से भी कम में तैयार हो जाएगा और आपको 4-5 घंटों तक एनर्जी देता रहेगा। तो मेरी एक छोटी सी विनती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसी तरह के वीडियो और लाता रहूँगा। और वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, और अगर आप किसी अपने दोस्त को या परिवारजन को जानते हैं जो हेल्दी खाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जिन्हें हाई प्राणिक हाई पॉजिटिव एनर्जी रॉ फूड्स खाने का इच्छा है मंशा है, तो प्लीज़ उनसे शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर विलंब कैसा आरंभ हो। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए इस चीज के लिए। तो बिकॉज ये लेटस बोर्ड्स है तो हमें ऑब्वियसली लेटस चाहिए, तो मैंने फ्रेश लेटस की कुछ पत्तियां तोड़ ली हैं। और ये मेक श्योर कि धीरे से तोड़ो और आँख ही निकल आए। और न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए एक नहीं, आज हम दो दो यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपके पास लेटस नहीं है तो आप कैबेज के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि उसे हल्का सा स्टीम कर लें ताकि वो थोड़ा नरम पड़ जाए और चबाने में और खाने में आसान पड़ जाए, तो आप कैबेज के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं, बट आज हम लेटस का यूज़ करेंगे। और आपको चाहिए कोई भी फ्रूट, तो मैंने केला लिया है। वेल, मैं बहुत सारे मार्केट से केले ले आया था तो मुझे केले यूज़ करने हैं, बट अदरवाइज आप मैंगो पाइनएप्पल एप्पल कीवी जो भी फ्रूट आपको स्ट्रॉबेरीज या कोई भी बेरी आपको मिल जाए आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अभी आते हैं नट्स एंड सीड्स। इसके अंदर मैं हेम्प सीड्स यूज़ कर रहा हूँ। हेम्प में बहुत सारा प्रोटीन और मिनरल्स रहते हैं, तो अगर आपके पास हेम्प नहीं है कोई बात नहीं, हम एक बड़ा नट यूज़ करेंगे। मैं आज इसमें अखरोट यानी वॉलनट्स यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको ये नहीं करना है, आप आलमंड्स ले सकते हैं या पीनट्स भी ले सकते हैं, पानी में भिगे हुए पीनट्स ले सकते हैं, आलमंड्स को भी पानी में भिगा सकते हैं, आज मैं नहीं भिगा रहा हूँ, ठीक है। और फिर हम लेंगे ये चिया सीड्स, मतलब सब्जा के बीज। ये बहुत ही अच्छे रहते हैं, इसमें बहुत सारा फाइबर है, इसको डालने से पेट भी बहुत देर तक भरा रहेगा और इसमें मिनरल्स भी काफ़ी रहते हैं। और अगर एक आध चीज़ नहीं हो तो आप ये सारे ऑप्शंस हैं। ये पम्पकिन के सीड्स हैं, कद्दू के बीज हैं, ये भी बहुत अच्छे रहते हैं, जिंक से भरपूर, फाइबर से भरपूर, प्रोटीन भी बहुत होता है इसमें, तो हम पम्पकिन के सीड्स डालेंगे। एंड आज मैं इनमें से कोई एक यूज़ करूँगा, ये है पीनट बटर या आप यूज़ कर सकते हैं आलमंड बटर। तो आज अगर आपके पास आलमंड बटर नहीं है कोई बात नहीं, हम पीनट बटर यूज़ करेंगे आज। ओके, तो एक टिप दे देता हूँ, लेटस के पत्ते जनरली इस तरह मुड़े हुए होते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे, हाथों से हल्का सा क्रश कर देंगे, तो ये इसमें लगाना आसान हो जाएगा। और ये आप शायद सुन सकते हैं, लेटस बहुत ही फ्रेश है, क्रंची है। बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, तो ये मैंने प्लेट पर रख दिया है, अब इसे खाते हैं। अब इसको खाने के लिए एक टिप देता हूँ, इसे हम सैंडविच या एक्चुअल बोट की तरह हम ऐसे रैप कर लेंगे और इसे प्लीज़ बैठ कर खाइए। और इसे ये देखिए कितना सफाई से आ गया, बहुत ही क्रंची है, सीड्स और नट्स का एक अलग अलग फ्लेवर और टेक्सचर आ रहा है। पम्पकिन सीड्स जो हैं, वॉलनट्स हैं, बनाना की स्वीटनेस है, पीनट बटर की स्वीटनेस है, लेटस की क्रंच है, बहुत ही अलग अलग प्रकार के इसमें फ्लेवर आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई एम श्योर आप लोग इसको एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अंटिल नेक्स्ट टाइम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा।